आपने कभी ध्यान से तस्वीरों को देखा होगा, भगवान शिव की तस्वीर, कार्तिकेय की तस्वीर तो यहाँ उत्तर भारत में बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी मिल जाती हैं। भगवान गणेश की, माँ शक्ति की, ये तस्वीरों में जो आप देखते हो, क्या आपने उनके अंदर जो छुपा हुआ है, जो उनके वाहन हैं, जो उनके अंदर कि गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा दिखाया गया है, शिव को बैल के ऊपर बैठा दिखाया गया है, शक्ति को सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर बैठा दिखाया गया है, और गले में सर्प, कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मोर। आप देखो प्रकृति का जो बैलेंस है वो कुछ और बोलता है, लेकिन जो वहां दिखाया गया वो कुछ और बोलता है। जब प्रकृति की तरफ हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति का जो खेल है वो अलग है, कि शेर का जो भोजन है वो बैल को खा जाएगा, और जो मोर है वो सर्प को खा जाएगा। एक दूसरे के शत्रु हैं, सर्प चूहे को खा जाएगा। सबके सब विपरीत जो पशु हैं वो एक साथ दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। आप जब खोज करके देखोगे तो महसूस होगा कि ये प्रकृति कितनी, किस प्रकार से कितनी विशाल है, शिव के अंदर कितनी अक्षमता है और कितना प्रभाव है, कि एक दूसरे के विपरीत जो जानवर है हर समय साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे आप ये समझो आज के युग के अंदर कि आपका पूरा परिवार साथ रहता है, उनके जो साधन हैं, गाड़ियां हैं, बाइक हैं, वो एक साथ लगा दी जाती हैं, काम करने वाले लोग हैं, सर्वेंट वगैरह, वो एक साथ रहते हैं, तो उसी प्रकार से शिव का जो परिवार है उसके जो ये साथ रहने वाले उनके वाहन उस समय के जो दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है, वो बड़ी गहरी बात है और बड़ा गहरा संदेश दिया गया है कि एक दूसरे के विपरीत होते हुए, एक दूसरे के विरोधी होते हुए, एक दूसरे के शत्रु होते हुए फिर भी साथ में रह रहे हैं। उनका कभी झगड़ा भी नहीं होता, वो कभी एक दूसरे को जान से मारते भी नहीं है, एक दूसरे का मांसाहार भी नहीं करते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो संभव हो सकता है ये सब शिव की कृपा से संभव हो सकता है। ये जो भगवान शिव जो तमोगुण के अधिष्ठा देव हैं, उनके बिना इस शरीर का जो तमोगुण है वो समाप्त नहीं हो सकता। हम कितना भी प्रयास करें, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम दूर कर दें, हम प्रयास कर सकते हैं कि मांसाहार ना करें, शराब का सेवन ना करें, बुराइयों से बचें, तमोगुणी वस्तुओं का खान पान ना करें, तमोगुणी वस्तुओं से दूर रहें, उनको हर जगह से दूर कर दिया जाए, अपने जीवन से निकाल दिया जाए। हम प्रयास कर सकते हैं, विचारों से लेकर के स्थूल जीवन तक प्रयास ही किया जा सकता है, लेकिन प्रयास उसकी कृपा के बिना सफलता संभव नहीं हो सकती। लेकिन शिव की जब कृपा बरसती है, उनकी जब कृपा होती है, उनकी दया दृष्टि होती है, तो कितने भी गहरे से गहरा क्यों न हो, कितना भी तमोगुणी जीव क्यों न हो,
कितना भी पापी से पापी जीव क्यों न हो, जब उनकी दृष्टि पड़ती है वो जीव जागृत हो जाता है। और जब जीव जागृत होने लगता है तो अंदर से गूंज उठने लगती है, शिव का नाद गूंजने लगता है और उसका इतना प्रभाव होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि पुराने समय के अंदर गाय और शेर एक घाट के ऊपर पानी पीते थे, यह साक्षात शिव ने दिखाया है, साक्षात दिखाया है, उनके पूरे परिवार ने दिखाया है कि केवल शेर और बैल नहीं, मोर और सर्प, सर्प और चूहा उनके परिवार ने दिखाया है। यानी जहां शक्ति का प्रभाव होता है, जहां एनर्जी का प्रभाव होता है, जहां उस परमपिता परमेश्वर का प्रभाव होता है, जहां ये पॉजिटिव जो एनर्जी, ये प्रकृति जो भरी हुई है एनर्जी से, उसका प्रभाव होता है और जहां शिव की कृपा बरसती है, वहां सब संभव हो सकता है। इस प्रकृति में असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह असंभव है, हम नहीं कर सकते, अगर हम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस चीज को हम नहीं कर पाए कोई भी नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि आप लोग ना कर पाए, हम ना कर पाए, लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सी संभावनाएं हर समय रहती हैं कि कोई ना कोई इस धरा के ऊपर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं और वो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते एनर्जी का सोर्स इतना मजबूत होता है और उनका जुड़ाव इतना मजबूत होता है और उनका जो सिस्टम होता है, एनर्जी लेवल जो होता है, इतना ऊंचा एनर्जी लेवल होता है, इतना ऊंचा, वो नेगेटिव ना विचार उठते हैं, वो हर प्रकृति से भी एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, चलते चलते एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, बिना जल के भी एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, देखने मात्र से एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ हिमालय के अंदर संत ऐसे हैं, कुछ देर सूर्य की ओर त्राटक किया, हो गया भोजन। कुछ संत ऐसे हैं जो मात्र जल के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, कुछ संत ऐसे हैं जो केवल प्राणायाम के ऊपर निर्भर रहते हैं, कुछ संत ऐसे हैं कि थोड़ी सी देर वृक्षों की छाल उखाड़ी, थोड़ा है उसको चूसा और हो गया भोजन, और कुछ संत ऐसे हैं जो केवल मात्र योग के सहारे ही शरीर को रोके हुए हैं, कुछ संत ऐसे हैं जो मात्र सब कुछ छोड़ करके उस एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और वहीं से एनर्जी ग्रहण करते रहते हैं। तो इस संसार विभिन्नताओं से भरा हुआ है, शिव परिवार भी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, लेकिन जितना हम देखते हैं उतना हम खोजने का प्रयास करें, जितना हम देखते हैं अगर हम उसको जैसा उन्होंने उपदेश दिया है, जैसे जैसा उन्होंने दिखाया है, जैसा वो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को जब हम ग्रहण करेंगे तो प्रकृति के साथ साथ हम उस परमात्मा परमेश्वर के साथ बैलेंस होता चला जाएगा और हम इन जीवों को एक साथ प्रकृति में की हिंसा, हिंसा से दूर हो करके उस प्रकृति के प्रेम में, हम प्रेम में हो करके सब जीवों को साथ लेकर चलते हुए और सबको कि किसी की भी हत्या न करें, किसी को भी परेशान न करें, सब उस प्रकृति को परमात्मा की दया से उत्पन्न मान करके, परमात्मा से कि परमात्मा ने हर जीव को बनाया है, हर जीव उसका है, हर जीव के ऊपर उसकी कृपा बरस रही है, और इस भाव से जब हम देखेंगे और शिव की साधना करेंगे तो तमोगुण वो अपना खींच लेगा और हम आत्मज्ञान की ओर
हमारा कदम बढ़ने लगेगा और ये आत्मा जागृत होने लगेगी।